Hello all, welcome to the video lecture series of VLSI technology. Subject code is KEC053 and here we are in lecture number 24. In previous lecture हम लोगों ने start किया था chemical vapor deposition methods, ठीक है, chemical vapor deposition method to deposit the thin film जिसके हम बात कर रहे हैं in the process film deposition. और केमिकल वेपर डिपोजिशन में हमने जैसे पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीवीडी, दिस इज अ वन टाइप ऑफ रिएक्टर यूज टू डिपॉजिट लेयर केमिकल बाय यूजिंग द सीवीडी प्रोसेस. ओके, नाउ अगेन इस लेक्चर में हम लोग केमिकल वेपर डिपोजिशन को कंटिन्यू रखने वाले हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे लो प्रेशर सीवीडी की और प्लाज्मा एनहांस सीवीडी, जो कि हमारे दो रिएक्टर्स और हैं, हम इस लेक्चर में उसकी बात करने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन. तो यहां मैंने फिर से आपको केमिकल वेपर डिपोजिशन का इंट्रोडक्शन रखा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन क्या है. इट यूजेस केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस टू डिपॉजिट फिल्म ऑन द वेफर सरफेस. वेफर सरफेस के ऊपर केमिकल और केमिकल रिएक्शन का यूज करके जो फिल्म डिपॉजिट की जाती है, देन हम उसे बोलते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन. वहीं जब हमने फिजिकल वेपर डिपोजिशन की बात की थी पीवीडी के अंदर, तो पीवीडी के अंदर फिजिकली मटीरियल को हम राइज कर रहे थे, हीट कर रहे थे, सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म एंड देन इट विल बी कंडेंस एंड डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस. फर्स्टली इट विल डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस, देन इट विल बी कंडेंस. ओके, नाउ इन दिस केमिकल वेपर डिपोजिशन वी यूज केमिकल्स एंड द केमिकल रिएक्शन सो दैट अवर सोर्स मटीरियल विल डिपॉजिट ऑन माई सबस्ट्रेट. What are the different reactor used for this purpose? Atmospheric pressure CVD, जो हमने last lecture में cover किया था. The second one is the low pressure CVD and the third one is the plasma enhanced CVD. ये दोनों हम इस lecture में पढ़ने वाले हैं. Okay, so first one that is called low pressure chemical vapor deposition method. Or you can say in short low pressure CVD process क्या है. So this is the arrangement for the low pressure CVD. इस अरेंजमेंट के अंदर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देयर इज अ लोड डोर जहां पे आपका वेफर डिपॉजिट किए जाते हैं, यहां से वेफर लोड किए जाते हैं. देयर इज अ बोट और आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट जहां पे आपके वेफर्स वर्टिकल फॉर्म में प्लेस्ड हैं. एक साथ बहुत सारे वेफर्स पे आप लोग क्या कहते हैं फिल्म डिपोजिशन होने वाली है यहाँ पे. एंड देयर इज अ थ्री जोन फर्नेस, यहाँ पे इसको टेम्परेचर को राइज करने के लिए देर इज अ थ्री जोन फर्नेस. यहाँ से भी आपकी फर्नेस है, यहाँ पे भी आपकी फर्नेस है. एंड ऑल्सो देर इज अ क्वार्ट्ज ट्यूब जो कि आपके वेफर्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे राइज करने का, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करने का काम करेगी. देन ऑन द सेकेंडरी साइड जो भी हम यहाँ से गैस इनलेट करेंगे, दिस इनलेट विल बी ट्रांसफर टू योर पंप साइड, मीन्स यहाँ से एग्जॉस्ट भी हो जाएगा एंड द प्रेशर विल बी मेंटेन फ्रॉम दिस प्रेशर सेंसर. ओके, सो दिस इज अ सिंपल कंस्ट्रक्शन फीचर और यू कैन से कि इसमें क्या क्या पार्ट लगा है जो मैंने भी आपको बताया है. बट जब आपको पेपर में लिखना है तो पेपर में मेनली डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर दिया, दैट इज फॉर सीवीडी प्रोसेस. अगर आपसे पूछा जा रहा है लो प्रेशर सीवीडी प्रोसेस एंड देन यू हैव शो दिस टेक्निक और दिस अरेंजमेंट, देन डायग्राम अपने आप में सफिशियंट होता है. या यू नो द प्रोसेस, दैट यू नो द प्रोसेस व्हाट इज लो प्रेशर सीवीडी. नाउ अब अगर मैं इसके बाद बात करूं, सो बेसिकली दिस रिएक्टर, दिस टाइप ऑफ रिएक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज यूज टू डिपॉजिट द पॉलीसिलिकन एज वेल एज सिलिकन डाइऑक्साइड एज वेल एज सिलिकन नाइट्राइड. तीनों ही चीज को आप इस लो प्रेशर सीवीडी प्रोसेस से डिपॉजिट कर सकते हैं. बेसिकली द रिएक्टर कंजिस्ट ऑफ ए क्वार्ट्ज ट्यूब हीटेड एंड पम्प्ड आउट फ्रॉम द अदर. एक साइड आपका हीटेड एंड है, एक साइड आपका पम्प्ड आउट है, मतलब यहां से आपका बाहर निकल जाएगा, एक साइड से आपका लोड होगा. दिस इज द बेसिकली रिएक्टर कंजिस्ट ऑफ. देन इन दिस द वेफर स्टैंड वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द गैस फ्लो इन ए क्वार्ट्ज होल्डर. यहाँ पे एक क्वार्ट्ज होल्डर है जिसमें आपका वेफर को हम रख रहे हैं. दे आर स्टैंड वर्टिकली एट ए टेम्परेचर 0 to 900 डिग्री सेल्सियस. दिस टेम्परेचर विल बी मेंटेन बाय दिस थ्री जोन फर्नेस जो आपका तीनों साइड से इस क्वार्ट्ज ट्यूब को हीट करने का काम करती है. ओके, देन देयर इज अ गैस इनलेट, तो यहां से आपका गैस फ्लो करेगा, रिएक्ट करेगा. आफ्टर रिएक्शन वी विल गेट द डिपोजिशन लेयर जो कि हमें अपने सिलिकॉन वेफर पे करनी है.
ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन मैं आपको एक्चुअल प्रोसेस में बताऊंगा जहां पे हमें दीज आर द बेसिकली प्रोसेसेस, दीज आर द बेसिक हम पढ़ रहे हैं मेथड्स, बट जब हम एक्चुअली बात करेंगे कि जो हमारे सिलेबस में है कि वी हैव टू डिस्कस द मेथड कि हाउ वी कैन डिपॉजिट द पॉलीसिलिकॉन लेयर, हाउ वी कैन डिपॉजिट द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर और हाउ कैन वी डिपॉजिट द सिलिकॉन नाइट्राइड लेयर, तो मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में इस मेन टॉपिक की बात करूंगा तो वहां मैं ये जो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं होगा इन्हीं के थ्रू, बट वहां पे हम एक समराइज फॉर्म कर देंगे. ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. तो जैसा कि हमने प्रीवियस मेथड में भी देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीवीडी में, व्हाट आर द एडवांटेजेस कि यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी मिलती है हमें यहाँ पे कि जो हमारी लेयर जनरेट हो रही है दिस इज योर इक्वल थिकनेस इन ऑल द ऑल साइड. Ability to handle large diameter wafer. Again, यहाँ पे भी अगर आपका wafer का diameter बड़ा है तो उस पर भी मैं layer को generate कर सकता हूँ. This method is also useful. यानी कि अगर मैं ये बोलूँ as compared to the previous method जो कि था हमारा atmospheric pressure CVD, ठीक है, तो उसके against यहाँ पे जो उसमें advantages थी वो यहाँ पे advantage already मिल रही है. ठीक है, बट यहाँ पे एक और अनदर एडवांटेज है, दिस इज अ नेम डिफाइंड लो प्रेशर कि ये जो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है दिस इज इनसाइड अ लो टेम्परेचर रिएक्टर. मुझे यहाँ पे लो प्रेशर रिएक्टर, मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट वहीं पे कॉन्स भी होंगे, तो कॉन्स क्या है, बिकॉज यहाँ लो प्रेशर है यहाँ पे आपका जो बी रिक्वायर्ड अ यूज ऑफ टॉक्सिस और इनफ्लेमेबल गैस, बिकॉज इस रिएक्टर के अंदर सम टाइम्स देयर मे बी डेंजरस फॉर्म, यहाँ पे आग लग सकती है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस, तो डैट्स वाई दिस रिएक्टर नीड्स अ इनफ्लेमेबल गैस, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस. तो दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज इन दिस, बट इफ द प्रोसेस इज एडवांटेजियस इन बोथ दीज फॉर्म देन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लो प्रेशर सीवीडी ही यूज होता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्लाज्मा एनहांस केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिसमें हम प्लाज्मा का यूज करते हैं टू डेवलप द थिन लेयर. तो बेसिकली अरेंजमेंट आपके सामने है, दिस इज द अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट के अंदर इट विल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल चैम्बर, यूजुअली ग्लास और एल्युमिनियम. तो ये आपका जो चैम्बर है, ये जो आप चैम्बर यहाँ पे देख रहे हैं आउटर साइड चैम्बर, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास और एल्युमिनियम. तो यहाँ पे आपका ग्लास सेंटर लिखा हुआ है, दिस विल कंसिस्ट ऑफ टू अपर एल्युमिनियम प्लेट्स, वन इज द टॉप प्लेट एंड वन इज द बॉटम प्लेट. तो बॉटम प्लेट जो है, ये जो बॉटम प्लेट है, इस बॉटम प्लेट पे हमारा सबस्ट्रेट प्लेस होता है और इस टॉप प्लेट को हम आरएफ हाई, मतलब एक तरह से हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज अप्लाई की जाती है सो डैट इट विल क्रिएट्स अ ग्लो डिस्चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स, जिसे हम प्लाज्मा बोल रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे एक प्लेट को हम हाईली रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे सो डैट इट विल जनरेट्स अ ग्लो डिस्चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स. नाउ गैसेस आर फ्लोड, तो गैसेस फ्लो रेडिली थ्रू द डिस्चार्ज विच आर यूजुअली इंट्रोड्यूस एट द आउटर एज एंड फ्लो टुवर्ड्स द सेंटर. तो यहाँ पे आप देखेंगे गैस के इनलेट दिए गए हैं, गैस इनलेट यहाँ से हुआ. नाउ दीज गैस इनलेट मूव्स रेडिली इन दिस प्लाज्मा डिस्चार्ज और यू कैन से इन दिस ग्लो डिस्चार्ज, और यहाँ पे आपका रिएक्शन के बाद यहाँ पे आपका थिन लेयर जनरेट होती है ऑन द वेफर एंड्स. ओके, इनसाइड योर सेंटर देयर इज अ पंप सो डैट ये जो आपने गैस यहाँ से इनलेट कराया है दीज गैस विद पंप आउट फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट. ठीक है, इस सेंटर की तरफ ही मूव करें गैसेस, इसके लिए हमने यहाँ पे सेंटर साइड पे एक पंप का अरेंजमेंट किया हुआ है. And also there is a heated sample holder, that means to rise the temperature of your substrate there is a heated temperature holder. ये जो आपके aluminum plate basically आप कह सकते हैं इस ये जो हमने यहाँ पे substrate जिसके ऊपर रखा हुआ है ये जो holder है this is a heated sample. तो यहाँ पे आपका temperature rise किया जाता है इस substrate का so that the reaction will take place. Now, resistance heaters or high intensity lamp heat the bottom grounded electrode to a temperature between 100 and 400 degree Celsius. So, this is the technique. This is called plasma enhanced CVD. होप कि आपको ये दोनों प्रोसेस क्लियर हुए होंगे. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरे पास थ्योरी नहीं है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, बट सिंपलेस्ट फॉर्म कि आप लोगों को जब पेपर में अटैम्प्ट करना है तो आप लोगों को भी डायग्राम बनाने के बाद आप लोग इसकी वर्किंग या इसकी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर पाएं, यही मेरा मेन मोटिव है. सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इन योर लाइक कमेंट. If you want to give me any comment, then वो भी आप कर सकते हैं so that I got some motivation कि हाँ मेरी videos आप लोग देख रहे हैं and you are
getting some knowledge, or I can say get some idea how you want, how will you attempt the question in the university paper. तो चलिए back to the topic. हम लोग थे plasma enhanced cavity chemicals vapor deposition method पे, जिसमें हम लोगों ने working and arrangement देख लिया. Now जैसे कि हमने previous method में भी लिखा है, मैंने same चीज़ यहाँ पे फिर से define की है, what are the advantages and the disadvantages of this plasma enhanced CVD method. तो अगर advantage की बात करें तो this the temperature will be very low in this and the excellent uniformity जो अभी तक हमें सभी में मिल रही है. But the main advantage of this process plasma enhanced CVD की low temperature पे हमारा deposition process हो जा रहा है. बट वहीं पे डिसएडवांटेज क्या है, आई कैन नॉट यूज अ लार्ज डायमीटर वेफर बिकॉज कैपेसिटी इज लिमिटेड. एंड द सेकेंड थिंग, वेफर मस्ट बी लोडेड एंड अनलोडेड इंडिविजुअली. यहाँ पे आपको वेफर का लोड और अनलोड जो करना है वो इंडिविजुअल वेफर एक बार में लोड या अनलोड होता है. तो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स, और वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. सो आफ्टर दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अवर केमिकल वेपर डिपोजिशन मैथड्स, चाहे वो फिर लो प्रेशर सीवीडी है, प्लाज्मा एनहांस सीवीडी है, और इससे पहले जो हमने कवर किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीवीडी मैथड. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है, लाइक डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ पॉलीसिलिकन, सिलिकन डाइऑक्साइड एंड सिलिकन नाइट्राइड. तो अल्टीमेटली मैथड्स यही हैं, बट इन मैथड्स को मैं वहाँ पे एक बार जोड़ दूंगा, ताकि अगर आपको क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा एज पर योर टॉपिक, तो रिफाइन तो यही करना है, बट क्वेश्चन और किस तरह से पुटअप हो सकते हैं हम उस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये सारे डिपोजिशन मैथड्स अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा. वन इज़ द फिजिकल वेपर डिपोजिशन एंड द सेकेंड वन इज़ द केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिनके अंदर हमने पीवीडी के अंदर दो कैटेगरी पढ़ी थी. वन इज़ कॉल्ड द स्पटरिंग and the first one is called the vacuum deposition. और सी वी डी के अंदर तीन रिएक्टर हैं, एटमोसफेरिक प्रेशर, लो प्रेशर एंड प्लाज्मा एनहांस सी वी डी. सो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू.